शकुन का फटका, 440 का झटका। ज्यादा ही सीधे हो शरीफ। कौन सी एक्ट्रेस होंगी सुपरस्टार वेंकटेश के अपोजिट? क्या कहा फरहाद शामजी ने फिल्म की कास्टिंग को लेकर? स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला इन दिनों यह सोचने में बिजी हैं कि वह ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनकी आने वाली फिल्म बॉलीवुड में जबरदस्त धमाका करे। जी हां, हम उनकी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, पर तब भी फिल्म की शान भाईजान काफी सुर्खियों में है। भाईजान की फिल्म का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार करते ही हैं, पर इस वक्त फिल्म का नाम सबको अट्रैक्ट कर रहा है। वो कहते हैं ना कि किताब का नाम इंटरेस्टिंग हो, कवर अट्रैक्टिव हो, तो उसे पढ़ने का मन और भी करता है। उसी तरह इस फिल्म के टाइटल ने ऑडियंस को एक्साइटेड कर दिया है। इसके साथ इस बार फिल्म की कास्टिंग भी नई है। सलमान की हीरोइन बनने का मौका मिला है पूजा हेगड़े को, जो साउथ इंडस्ट्री में काफी धमाका मचा चुकी है। साथ ही इसी के साथ साउथ के दूसरे सुपरस्टार वेंकटेश फिल्म का अहम हिस्सा बनने वाले हैं, जो फिल्म अनाड़ी के बाद 25 साल बाद बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। अब उनके अपोजिट भी हमें एक जानी मानी एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी। नाम को लेकर तो कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, पर वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं, इतना तो कंफर्म है। वैसे फिल्म में पूजा हमें सिंपल गेटअप में नजर आएंगी। वह गाँव की एक सीधी सादी लड़की का रोल प्ले करने वाली है, पर अभी तक सलमान के लुक को लेकर कोई खबर क्यों नहीं आई? वही सोच रहे ना आप? तो चिंता मत कीजिए, उनके बारे में हमारे हाथ खबर लग चुकी है। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान फिल्म में एक बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए क्लीन शेव, सिंपल हेयर कट, कानों में बाली और गले में काला धागा पहनकर भाईजान नजर आने वाले हैं। यह सुनकर आपको किस फिल्म का किरदार याद आया? सही पहचाना, बजरंगी भाईजान के पवन का। अब यह सुनकर आपकी एक्साइटमेंट बड़ी होगी ना, पर पेशेंस रखिए क्योंकि भाईजान और थोड़ा इंतजार करवाने वाले हैं हमें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, जाते जाते करिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।